सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक व्लॉग में। सो यार, आज के व्लॉग आपके लिए बहुत ज्यादा सस्पेंस होने वाला है, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ वो बताने वाला नहीं हूँ, और जो दिखाने वाला हूँ वो अभी बताने वाला नहीं हूँ। देखो यार, सब लोग ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ ना कुछ अपना प्रोफेशन सेट करते हैं, तो मैं आज का जो डे है, आज का जो दिन है, उसका मैंने अपना शेड्यूल सेट किया है कि मुझे जो बचपन में जो काम मैं किया करता था वो काम आज मैं करने वाला हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज यार, आप वीडियो के अंत तक बने रहो। तो चलो, मैं आगे ब्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है आगे हमें खेत की ओर जाना है। मैं और मम्मी और हमारा आरओ भैया, उसके साथ हम खेत जाएंगे। और साथ ही साथ ये देख रहे हो, ये हमारे बकरियां हैं, बहुत सारी बकरियां हैं, तो इनको साथ में ले जाना है खेत और इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना है। तो आगे चलते हैं कुछ, और ये हमारे गाँव की बाई लोग कुछ देख रहे हैं, तो चलो आगे और चलते हैं। इनको जल्दी से मैं छोड़ता हूँ और मम्मी के साथ हम खेत की ओर चलते हैं ये बकरियां लेके। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आगे। बहुत सारे बकरियां हैं यार अपने यहाँ तो। आ रहा जल्दी भैया, आ जा इधर, पीछे पीछे आ जा मेरे, उधर कहीं नहीं जाना। चलो इतनी सारी बकरियां हैं अपनी। आ रहा कुछ बोलेगा? हाँ बोल। या ना जोड़ी ना पापी ना जोड़ी पढ़ा ना ते मंदलो मामा ना जोड़ी ना। हाँ ना। चलिए दोस्तों, घर से लगभग, खेत हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो कम से कम हमने आधा रास्ता तो तय कर लिए हैं और आगे की ओर और चलते हैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाएंगे। हमारा जो खेत है ना, वहाँ जाने के लिए हमें जंगल होते हुए जाना पड़ता है और इधर एक छोटी सी नदी जैसी है, और कभी बारिश होती है तो ये नदी में अगर बाढ़ आ गई तो फिर हम लोग खेत से उस तरफ नहीं जा सकते और ये नदी के उस तरफ नहीं जा सकते और ना ही इस तरफ आ सकते। हमको जाना है आगे की ओर और एक छोटी सी नदी है ये, बड़ी अच्छी सी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ कुछ हमारी बकरियाँ अभी भोजन ले रही है, तो थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं और मम्मी भी आ जाती है। और देख सकते हो यहाँ का लोकेशन कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा सा, बढ़िया जंगल जंगल, और साथ में ये बकरियां। आ रहा भैया, आराम से आना, धीरे धीरे आना, कोई दिक्कत नहीं। आ जा मेरे पास, आ जा। हाँ आ जा, आराम से आ जा, कोई दिक्कत नहीं। पानी बहुत है और कपड़े धुलने लायक जगह देखना पड़ेगा। हाँ 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 आरो, अपन कहाँ जाएंगे? वही कुछ जा। पानी नहाना तो नहीं है? नहीं, क्यों? पिछले चार पांच दिनों से नहाया नहीं, गए थे दिन। अच्छा, डुबकी लगा लेंगे। अच्छा इधर आ जा, मछलियां हैं बारीक बारीक, उठाएंगे क्या इनको? हाँ ये छोटी सी झरना। मछली पकड़ेगा क्या? मछली पकड़ेगा? इधर नहीं आना भैया, बहुत बास है यार, बारीक बारीक। आरो क्या कर रहे हैं? कहाँ मछली है? किधर मछली है? कितने मछली है? बहुत सारे मछली। एक हाथ मछली तो दिखा दे मेरे को। नहीं दिख रहे हैं यार मछली, या कहाँ मछली है?
ये अपना कुत्ता आ गए, आजा वाह आ गए यार एक बार बुलाने से। वहां जाके बुलाता, वहां आते हैं कि नहीं देखता हूँ। आ गया हीरो। बस 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 चाबे मत भाई, बहुत डर लगता है ऐसे भी। जाओ उधर बकरी वकरी देखते तो इधर आ गए हैं। आओ यहां से बुलाता हूँ, आ रहा हूँ आते हैं कि नहीं देखता हूँ। आ रहे यार। मम्मी को कपड़े धुलने साथ लगना भैया, कपड़े धुलते नहीं आता? क्यों नहीं आता? आना चाहिए कपड़े धुलते, मछली पकड़ते आता है। नहा ले यहाँ पे। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। आजा तू भी आजा भाई, आजा सो। यार दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं खेत, और आप देख सकते हो मेरे चारों ओर धान की फसल लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो धान निकल रही है ये 2 महीना पहले लगाए थे हम, बहुत अच्छे से धान निकल दिए अभी धीरे धीरे, और काफी कुछ अच्छी फसल है। और इधर हमारी बकरियां हैं जो कि इनको अभी मैं बांध देता हूं, और कुछ खेत के काम है वो कर लेता हूं, उसके बाद इस ब्लॉग का करेंगे अपन एंड। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से खेतों के थोड़े बहुत छोटे छोटे काम है उनको फिनिश कर देता हूँ, फिर गायों के लिए कुछ घास की व्यवस्था करते हैं और उसे लेके जाना है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ जल्दी से। घास पकड़ भैया, चलो हो गए, अब ज्यादा नहीं तोड़ते अपन, काटते नहीं ज्यादा। तो फाइनली दोस्तों खेतों के सारे काम व्यवस्थित तरीके से हो गए, और अपनी बकरियां भोजन सही तरीके से ले लिए, और अपन ने गाय के लिए घास भी काट लिए हैं, मतलब सारे काम व्यवस्थित तरीके से हो गए। अब बारी है घर जाने की, और साथ ही साथ इस ब्लॉग को एंड करने की भी। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ यार, ये जो मेरा ब्लॉग बनाने का जो मेन पर्पस है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का है। मैं कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता जुगाड़ मेरे को यही समझ में आया, जो कि मैं कैमरे में शुरू में क्या होता था, जब मैं कैमरा ऑन करता था और जब बोलने का प्रयास करता था, तब मेरा जो ब्रेन था वो ब्लैंक हो जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो धीरे धीरे करते करते ये सारी चीजें मुझे आने लगी, और मैं थोड़ा अच्छा बोल लेता हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये अच्छा जुगाड़ था मेरे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए। तो मैं इसी वजह से हर दिन कुछ ना कुछ नया मेरे साथ कैप्चर करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलो यार कुछ ज्यादा ही भाषण हो गया, तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।